हिमाचल प्रदेश अपने पुरन राज्यत्व की स्वर्ण जयंती मना रहा है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पुरन राज्य का दर्जा मिला था। हिमाचल के 50 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 सितंबर को हिमाचल विधानसभा में अपना संबोधन देंगे। राष्ट्रपति पहले 5 दिन के दौरे पर हिमाचल आ रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दौरे को घटाकर 4 दिन कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति 16 सितंबर से 19 सितंबर तक शिमला आ रही हैं। पहले ये कार्यक्रम 20 सितंबर तक था। राष्ट्रपति के शिमला दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब राष्ट्रपति रिट्रीट राष्ट्रपति निवास के स्थान पर चौड़ा मैदान स्थित ओब्रॉय सीसल में ठहरेंगे, जिसके चलते अब चौड़ा मैदान के रूट को वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने बताया कि हिमाचल सरकार 50 वर्षों के विकास की गाथाओं को अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित कर रही है। कोरोना के चलते यह कार्यक्रम पहले नहीं हो पाए थे, अब कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत ये आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 11 बजे हिमाचल विधानसभा में अपना संबोधन देंगे। इन आयोजनों का मकसद उन सभी विभूतियों को याद करने का है जिन्होंने हिमाचल के विकास की गाथा लिखी है। इससे पूर्व दो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम व प्रणब मुखर्जी विधानसभा को संबोधित कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस विशेष सत्र में कुल वर्तमान व निवर्तमान 93 विधायकों व 11 सांसदों ने आने के लिए सहमति जताई है। राष्ट्रपति के संपर्क में आने वाले विधानसभा के 96 कर्मी का RT-PCR टेस्ट होगा। इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों का भी कोरोना टेस्ट हो रहा है। विपिन परमार ने बताया कि 12 बजे राष्ट्रपति के कार्यक्रम के बाद लाइब्रेरी हॉल में वर्तमान व निवर्तमान विधायकों का सम्मान समारोह होगा, जिसमें पूर्व के मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश के गठन के मौके पर स्वर्णिम हिमाचल पूर्ण राज्य, ऐसा करके जो हिमाचल प्रदेश इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, और हेतु यही है कि वर्तमान पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से ये बताया जाए कि हिमाचल प्रदेश के गठन से लेकर के आज तक जिन भी राजनीतिक पार्टियों को सरकार बनाने का मौका मिला, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के उत्थान, विकास, तरक्की और खुशहाली के लिए क्या कुछ किया। मुख्य हेतु तो यही है। दूसरा, इस कार्यक्रम को और इवेंटफुल बनाने के लिए और उसका महत्व और बढ़ जाए, तो हमने माननीय राष्ट्रपति जी से कुछ दिन पहले, मैंने मुख्यमंत्री जी से मिल करके उनको निमंत्रण दिया था और उन्होंने स्वीकार किया है। अब जब उनका आशीर्वाद हमें यहाँ पर मिलेगा तो इस कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ जाएगी। मुख्यतः तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी निवर्तमान विधायक हैं जिन्होंने अपनी हाँ कही है, उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। 93 के लगभग है जिन्होंने हाँ कही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये प्रोटोकॉल निर्धारित कार्यक्रम है। चर्चा के और भी बहुत मौके आएंगे, आगे शीतकालीन सत्र होगा, बजट सत्र होगा, परंतु इस प्रकार के यहाँ पर माननीय राष्ट्रपति जी का ही उद्बोधन मार्गदर्शन होता है। विपक्ष को भी, वैसे तो विधानसभा की ओर से सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है, और दूसरा, मैंने भी व्यक्तिगत बातचीत सभी से की है, कल सर्वदलीय बैठक है तो उसमें विधिवत उनके विचार भी साझा और उनसे भी मशवरा राय ली जाएगी, क्योंकि ये स्वर्णिम हिमाचल पूर्ण राज्य जो है, ये सभी का मिला जुला ही प्रयास है। इसको और हम कैसे गरिमामयी बना सकते हैं, तो उनके सुझाव भी हमें मिले हैं, कल भी सुझाव लिए जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। कोविड के नियमों की अवहेलना बिल्कुल नहीं होगी। RT-PCR होंगे और वही लोग यहाँ पर इनवाइटी है, CID पासिस जारी करेगी, वही इस परिसर के अंदर आ सकते हैं, उसके अलावा इसमें किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।